हेलो हेलो हेलो, हाउ आर यू गाइस डूइंग टुडे? वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम देखने वाले हैं एमिवे का नया गाना, इट्स कॉल्ड ध्यान दे। दिस इज एमिवे विद क्रे ट्विंस, कॉल्ड ध्यान दे। सो लेट्स गो एंड चेक इट आउट। वीडियो आपको पता हुआ है हमेशा अच्छी होगी, इसने खुद क्लेम किया। मैं अपने सारे पैसे अपने वीडियोज में लगाता हूँ एंड यू कैन सी इट, आपको नजर आता है कि वीडियो हमेशा इट फैक्टर होता है, कोई हमेशा कुछ मजे की चीज़ होती है। या इट जस्ट लुक्स, इट्स एस्थेटिकली प्लीजिंग ऑलवेज, कभी हल्का हाथ नहीं रखता वीडियो पे लड़का। सेम फॉर दिस वन सो फार। बहुत अलग वाइब ही अलग है इस दफा, नथिंग लाइक यू हर्ड बिफोर, बहुत ही डिफरेंट वाइब है। आपको पता चल रहा है अभी से वही ट्राइबल तबला सीन, तबला तो नहीं कहते उसको लेकिन आई नो कॉन्गो टाइप माहौल, ट्राइबल सीन ऑन हो गया है। मतलब दिस इज समथिंग कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम हिज यूजुअल स्टफ। लेट्स कीप वॉचिंग। मॉडर्न गलती ना मारे मैंने पलटी कबाड़ी पे सोच रही है कल के हमारे मैंने सोचे बीमारी थी कल की हकला पड़ा चला मेरा मेहनत से कल की देख फ्लो मेरा ना लेता ब्रेक मैं तो खा लेता ब्रेक मैं तो खा लेगा बस इन लवरों को घर भेजू बस करके अब उन खड़े ले हिप हॉप के दफ्तर पे तू तो डर डर जाए पीठ पीछे बात किया तू तो ना मर जाए मैंने नहीं डाला भाव मेरे भाव बढ़ गए मेरा धोनी अलग मेरे बाल बढ़ गए और चाल बढ़ गए हम बढ़ गए जो कि नहीं बड़ा मेहनत में कम बढ़ गए अब इससे ज्यादा बोलूंगा तो बम फटेंगे स्लिप बम फटेंगे स्लिप बम फटेंगे बात। Love this part. आर्टिस्ट यार, परफॉर्मर, बस दैट्स इट। अबे यार, आई वॉज रेडी फॉर टू मोर वर्सेस। गाइज दैट वॉज सो गुड। सिर्फ ढाई मिनट का गाना है, मतलब दो मिनट का, 30 seconds फॉर द स्टार्ट इन द एंड ऑफ द वीडियो, दो मिनट का कॉन्टेंट है एंड वाओ यार, दैट वॉज सो गुड। I'm gonna watch it again. You guys don't have to watch it with me again. I'm just gonna watch it again. कितनी पांच different locations use किए इसने कम से कम। Underwater भी था, बहुत underwater हमेशा होता है, मैंने देखा लड़का। I love it, man. This is how you do. This is how you build yourself. You invest in yourself. लोग एक गाना हिट होता है वो पैसे पकड़ते हैं, उन पैसों को दबा के बैठ जाते हैं, फिर उसको खर्च करते हैं। Use your money to make more money. This is what he's doing. And it's not just the money part. He is so talented, यार। आप lyrics देखें इसके गानों के। इसके गानों के लिरिक्स आर नेवर कन्वेंशनल। अलग अलग वर्ड्स यूज करता है, अपनी देसी लिंगों से घुसा देता है बीच में वर्ड्स, एंड ही जस्ट एक्सपेक्ट यू टू नो देम, ही जस्ट एक्सपेक्ट यू टू नो देम एंड अंडरस्टैंड देम। इफ यू डोंट नो देम, यू डोंट अंडरस्टैंड देम, यू आर नॉट अप टू द प्रोग्राम। समझना, आप यू आर नॉट कैचिंग अप टू द, यू नो, यू आर नॉट विद द प्रोग्राम। सो इट्स योर प्रॉब्लम। आपको अगर समझ नहीं आ रहा इसने क्या वर्ड यूज किया है, वो आपका मसला है। लहंगा आपको नहीं पता किया तो ये दैट्स योर प्रॉब्लम। ही इज रियली स्मार्ट। मैंने अभी तक इसको किसी रैपर से एज सच कंपेयर नहीं किया है। पीपल से रस रस, और यू नो इसने भी रस का एक्सेप्ट किया है। रफ्तार नहीं बोलता, ये रस को कॉपी करता है। आई थिंक ये रस को कॉपी इस तरह करता है कि रस से ही टेक्स रस इज सॉन्ग मॉडल्स, कि गाना लिखना कैसे है, गाना कंपोज कैसे करना है। वो रस की बातें उठा के नहीं बोल देता, ये जो रस बातें कर रहा है वो डिफरेंट है इसकी बातों से। रैपर्स की सारी बातें प्रीटी मच सेम होती हैं, नॉट लेट्स नॉट गेट इनटू टू डीप इनटू दैट, बट पॉइंट इज ही इज नॉट कॉपिंग रस इन अ वे that his rap style can, you know, exhibit that. His rapping style, especially for this song, ek hi banda mere dimag mein aa raha tha bar 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 bar, har do lines baad mere dimag mein bar bar aa raha tha Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne, Lil Wayne. Every time he laughs in his track, Lil Wayne. Every time he is angry, Lil Wayne. To mujhe bahut Lil Wayne wale style ki vibes aa rahi hain. Dikhne mein dono alag insaan hain, music bhi dono ka bahut, music career bahut
you know, miles apart. He's been rapping since I don't know how long. Yebi, you know, he's a rookie almost. But still, his style, his demeanor, his flow reminds me of Lil Wayne so much. Like, so much. Jaise wo usne line boli thi, wo line hamesha mujhe hit kar jati hai aur hamesha ek line iski hoti hai khane ke bare mein. Pata nahi kyun, lekin mujhe sunai de deti hai. Keh raha hai, kya bola tha usne? Keh raha hai, flow mera na leta break, main kha leta plate. घूम घुमा के ये आता हमेशा है कि मैं खाना खाए बगैर खा लेता मेडिसिन मैं खाने. दिस इज यू नो दिस इज रियल, दिस इज ऑथेंटिक, क्योंकि उसका एक सीन है और वो सीन को यूज़ करता है अपने हर गाने में. तो आपको पता है कि ये बंदा किसी से चुरा नहीं रहा चीज़ें, इसकी अपनी चीज़ें, इसकी अपनी थाट्स हैं, इसकी अपनी फीलिंग्स हैं, अपनी बलचौदी है इसकी. गाइज आई एम डाइंग. Also love that line when he says मेरा नया मेरा नहीं बड़ा भाव, मेरे भाव बढ़ गए भाई. मतलब कह रहा मेरे टट्टे उछे नहीं हुए, my balls are still in place but my rates have gone up. So अब मैं क्या करूँ भाई, जब आपके भाव बढ़ जाते हैं ना तो फिर आपके भाव भी बढ़ जाने चाहिए. So all the power to you my man, all the power to you bro. जितने भाव बढ़ाने बढ़ाओ दोस्त, तुम you deserve it, you fully deserve it. Shout out to Hasan Ali, bomb पड़ेंगे pop. That was tight. और एक और चीज़ मैंने नोट की है, इस बंदे में इतना कॉन्फिडेंस है, इतना सेल्फ बिलीव है कि ही कैन पुल ऑफ द क्रेजीएस्ट स्टंट्स. जो आप मैं करेंगे तो दुनिया हंसेगी हम पे, बट ये करता है लोग बोलते हैं वाह यार सो कूल यार लुक एट हिम यार. सो दैट्स द डिफरेंस गाइज, इट्स नेवर इन योर क्लोथ्स, नेवर इन योर मटेरियल, नेवर इन योर फोन, नेवर इन योर इक्विपमेंट, नेवर इन योर कैमरा, नेवर इन योर कार. कोई भी गाड़ी रख लो, कोई भी कैमरा खरीद लो, कोई भी कपड़े पहन लो, कोई भी फोन यूज कर लो, किसी भी तरह के इंसान से दोस्ती कर लो. इट्स ऑलवेज अबाउट यू. आपके अंदर कितना कॉन्फिडेंस है उस चीज़ में, आपके अंदर कितना भरम है उस चीज़ के बारे में. लुक एट हिज क्लोज, ये कपड़े, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कपड़े बुरे या अच्छे, मैं इस पर कॉमेंट ही नहीं कर रहा हूँ. मुझे क्या पता, मैं आई एम नॉट अ फैशन डिजाइनर, आई हैव टेरेबल सेंस ऑफ क्लोथिंग इन एनी केस. माई पॉइंट इज वेन ही पुट्स दीज क्लोज ऑन, ही ओन्स देम, ही मेक्स देम लुक कूल. आई डोंट नो इफ दे आर कूल और नॉट, बट वेन ही पुल्स देम ऑफ लाइक दिस दे लुक कूल. सो दैट्स इट्स जस्ट आई कैन नेवर डू दैट. मैं एंड आई हैव नो शेम इन एक्सेप्टिंग कि आई कैन नेवर बी दिस कूल, दिस गैंगस्टर, दिस ऑसम, लाइक द वे ही pulls off his lines, his clothes, his performances, his music, everything he does has so much self-belief and self-confidence in it that it inspires me and it inspires you. There's a reason why everybody is such a big fan of him. Isliye nahi ki wo bahut acha gaane bana raha hai, sure gaane acche bana raha hai, hame sunne mein maza aata hai, good beats, good sound, good, you know, masti music. What we like to see in him is his confidence, is his performance. जिस दिन ये हल्का पड़ गया ना, जिस दिन इसका भरम छोटा हो गया थोड़ा सा भी, उस दिन हम सब डिसअपॉइंट हो जाएंगे, उस दिन हम सब पीछे हट जाएंगे. सबकॉन्शियसली, नॉट कॉन्शियसली, सबकॉन्शियसली हमारा दिमाग बोलेगा भाई यार वो बात नहीं रही, वो ये नहीं वो. तो एक बात है, ये एक चीज़ है दुनिया में, वी ऑलवेज लव समबडी हु लव्स हिमसेल्फ एंड ही लव्स हिमसेल्फ इन अ गुड वे, इन अ पॉजिटिव वे. एंड आई अगेन आई कीप रिपीटिंग दिस एवरी टाइम, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ एमिवे. हिज म्यूजिक इज वन ऑफ द यू नो बेस्ट रैप म्यूजिक इन इंडिया. And he is definitely gonna be at the top. Yeah, guys, that was MUA, Dhyan De. Really liked that song. I know I'm a little bit late for reaction, but that's how I do things. Apne time se, apne hisab se. Thank you for recommending this. I hope you guys enjoyed watching this video. Make sure you like my video. Make sure you subscribe to my channel. Make sure you go check out his channel, MUA's channel. Link in the description. Follow me on Twitter at Pakistani Reacts. Instagram, Farrukh Not Farooq. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care.